भाई ये देखे माशाल्लाह चारों तरफ से लोगों ने ठेले को घेरा हुआ है काठियावाड़ी छोले के लिए। देखे क्या हो भाई, दूसरा ले रहे हैं फिर? दूसरी प्लेट बनवा रहे हैं? अरे भाई एक भाई साहब एक खा चुके हैं, लाजवाब है यार इनके चने भाई, बहुत लाजवाब है भाई। और डलवा रहे हो क्या? और डलवा रहे हो? और ये माशाल्लाह दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट खा रहे हैं। जिसका जो काठियावाड़ी छोले है ना, ये ऐसा छोले का जवाब नहीं, कहीं और नहीं मिलता, कहीं और नहीं मिलता, कहीं और। पूरा कराची घूम लिया, पूरी कराची घूम लिया। अस्सलाम वालेकुम नासरीन। तो भाई जेल चौरंगी का रोड है, जमशेद रोड भी कहलाता है, और ये रास्ता बिल्कुल जेल चौरंगी की तरफ जा रहा है मदारे काइज से। यहाँ जब कभी भी गुजरते हुए जाते थे तो शाम के औकात में आपको यहाँ पर बड़ा रश नजर आता था। तो आज हम रुक गए और हमें ज़रा ट्राई करेंगे भाई काठियावाड़ी छोले कैसे हैं, क्योंकि लोगों की तरफ से भी तारीफ आ रही थी और कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई कराची का सबसे बेस्ट काठियावाड़ी छोले हैं ये। तो ज़रा ट्राई कर लेते हैं और खा के बताते हैं कि जायका कैसा है, क्योंकि भाई मुझे पर्सनली तौर पर सोल्जर बाजार में जो मिलते हैं काठियावाड़ी छोले वो अच्छे लगते हैं, और जो वाटर पम्प पे लगते हैं छोले उनका जायका भी बहुत आतंक होता है। तो मुझे पर्सनली तौर पर दो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन दीगर जगहों के भी खाएं मगर वो बात नहीं है। तो ज़रा इनको ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं। तो भाई और डलवा रहे हो क्या? बस और डलवा रहे हो? और ये माशाल्लाह दूसरा प्लेट है, दूसरा प्लेट खा रहे हैं जी, जी, जी। तो कैसा होता है, आप कितना टाइम हो गया आपको खाते हुए? यार मैं तो तकरीबन 8-9 साल से गाड़ियों का काम करता हूँ, यहाँ आता हूँ और इनका मतलब खाए बगैर नहीं जा सकता। अच्छा, खाए बिना जाते नहीं है माशाल्लाह। नहीं, दूसरे इनकी सफाई भाई 110% इनकी सफाई से मैं मुतमईन हूँ। साफ सफाई और रेट वेट सब बेहतरीन है, हर चीज़ क्वालिटी भाई। मतलब लोगों को आप कह रहे हैं कि आएं और लाजमी खाएं? जरूर जरूर, इनका मज़ा ही अलग है, मज़ा ही अलग है। क्या बात। तो यार भाईजान आप तो बन के साथ खा रहे हैं ये? नहीं माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, मज़ेदार है, और हम तो बहुत दूर से आए हुए बंस रोड से आए हुए यहाँ पे। अच्छा, बंस रोड से खाने के लिए आए हैं? जी हाँ, बंस रोड तो खुद इतनी बड़ी फूड स्ट्रीट है, वहाँ से आए भाई। लेकिन इसका जो काठियावाड़ी छोले है ना, ये ऐसा छोले का जवाब नहीं, कहीं और नहीं मिलता, कहीं और नहीं मिलता, पूरी कराची घूम लिया। और ये जो छोले है ना बहुत जबरदस्त है, जैसा नाम है VIP वैसा जायका भी है। मसालेदार जबरदस्त। क्या हो भाई, दूसरा ले रहे हैं फिर? दूसरी प्लेट बनवा रहे हैं? अरे भाई एक भाई साहब एक खा चुके हैं, बहुत लाजवाब है। खास दुकान से जो ना उठ के हम आए यहाँ पर खाने के लिए। अच्छा। ये मेरे भाई आए हुए थे, पहली दफा खा रहे हैं। अच्छा, इन्होंने बोला यार कुछ खाना हल्का फुल्का, मैंने लाओ मैं तुम्हारे को चने खिला के लाऊ। मतलब असली काठियावाड़ी छोले खाने तो आ जाओ जमशेद रोड। बेहतरीन, मैंने तो बोला है गली के अंदर लगा हुआ होगा, पर आज मेन पे लगा हुआ है। अच्छा, आज मेन पे लगा हुआ है। ये 5-6 बजे बाहर आते हैं ना। अच्छा 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 भाई, देखिए काठियावाड़ी छोले की प्लेटें बनती जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अस्सलाम। तो सबसे पहले सर लोकेशन समझा दें यार यहाँ की, ये कौन से मुकाम पर है? ये अपना जमशेद रोड कायदे मजार के पास। ठीक है, ये अपना अल मुकर्रमा बैंक मुकर्रमा के पास है। ठीक है, तो क्या खास बात है आपके काठियावाड़ी छोलों की? यार सब लोग तारीफें कर रहे हैं और काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं खाने के लिए। सर इसमें खास बात ये है कि आप एक बार ट्राई करें मेरे इस बात पे। ठीक है, सही है, इसके बाद इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगा और हमारी कस्टमर को भी आता है, इंशाल्लाह आपको भी आएगा इस बात। ठीक है ठीक है। अच्छा, कैसे बने हुए होते हैं ये थोड़ा दिखाना यार, खोल के इसको दिखाएं। तो काठियावाड़ी छोले बड़ी तारीफ कर रहे हैं, अंदर से खोल के देखें। ये देखें सर, ये रेसिपी इसमें हम कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल नहीं करते हैं। जी इसमें कॉर्नफ्लावर जो है इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें होता है आलू का जो है रेसिपी इस्तेमाल की जाती है। सही है। अच्छा जबरदस्त। और साथ में चटनियाँ कौन कौन सी चटनियाँ दिखाएं? सर हमारे पास चटनी खाली सी इमली होती है, इमली खुद खाली चटनी मिली होगी, कुछ भी नहीं होता इसमें। और दूसरी बात ये है सिर्फ धनिया पुदीना, थोड़ा ऊपर निकाल के दिखाएं जरा। ये देखिएगा। अच्छा, मिर्ची नहीं मिली थी, धनिया पुदीना ये वगैरह गैस वगैरह ना हो बस इसकी। और कितने का प्याला है? सर प्याला हमारा होता है 80 रुपए का और पार्सल है 100 रुपए का। और बल के बगैर तो मुकम्मल नहीं है ना, बन जाएगा ये, इसके बगैर कंप्लीट नहीं होता है, ज्यादातर इसी के साथ खाया जाता है। ये होता है 15 रुपए का, 15 रुपए का एक पान है। और टाइमिंग क्या होती है भाई? टाइमिंग किस टाइम होती है? टाइमिंग हमारी गली की है सुबह 11:30 बजे की, गाजी बेकरी के पास। शाम की टाइमिंग इंशाल्लाह कल से होगी 4 बजे। और ये इतना स्पेशल मसाला है तुम्हारा? ये हमारा अपना मसाला होता है, घर का बनाया हुआ, घर का बना हुआ है जी। चले यार फिर हमारा भी एक प्याला बना दें यार। तो अच्छा, ये कितने कितने वाला बन रहा है ये? सर ये 80 रुपए का। ये 80 रुपए वाला है जी। ये देखें भाई ये आ गए, सबसे पहले तो आपने छोले आ गए भाई, और फिर उसके बाद आपकी असल जो चटनियाँ वगैरह आएंगी। पहले हम डालते हैं मसाला इस पे। अच्छा, पहले मसाला डालते हैं।
आता है नमक। अच्छा, इसके बाद नमक आ गया जी। प्याज होती है हमारे पास, प्याज होती है फ्रेश, ठीक है। और ये दूसरी है हमारी चटनी है, ये स्पेशल चटनी है भाई, जबरदस्त वाली। और ये क्या है? स्पेशल चटनी है काली सिमली। अच्छा, काली सिमली। पापड़ी, ये देखिए भाई, ये आवाज सुने आप, बिल्कुल फ्रेश माल होता है, कोई बासी माल नहीं होता हमारे पास, रेगुलर माल आता है। प्याला तैयार है हमारा जी, बिल्कुल। ये देखिए भाई, चलें, प्याला तैयार है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, मिक्सअप से शुरू करते हैं, क्योंकि हमने सोचा कि मिक्स करके खाते हैं। पापड़ी बड़ी थोड़ी अच्छी लग रही थी, और 80 रुपये के लिहाज से क्वान्टिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें एक बंदे का आराम से पेट भरेगा। और जो सबसे खास बात ये है कि जो गाढ़ापन होता है ना, ये कह रहे हैं इसमें हम अरारोट इस्तेमाल नहीं करते। ये देखें तो ज़रा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, जो जायका काठियावाड़ी छोड़ो भाई ढूंढते हो ना आप, वही जायका ऑथेंटिक जो हमारे मेहमान लोग पसंद करते हैं। क्योंकि मैं इसका कंपेरिजन करूँ, अगर जो सोजे बाजार में मिलते हैं या फिर वो जो आपको वाटर पंप की तरफ मिलते हैं, उनके मुकाबले में थोड़े से ये हल्के लगे, लेकिन इसका अच्छा जायका है। लेकिन कराची का टॉप 5 जो काठियावाड़ी छोड़े हैं, उसमें ज़रूर ये एक होंगे शामिल। अब ज़रा और मिक्सअप करके खा लेना, इसमें हरी चटनी है, थोड़ी मीठी चटनी का भी जायका आता है। जो इनका चना है थोड़ा छोटा लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा चना अच्छा होता दादा मज़ा करता तो। लेकिन बाकी मसाला इनका बहुत अच्छा है, जानदार है। जो सूप बना है इसका, ये जैसे सूप है ना, ये बहुत अच्छा है। तो माशाल्लाह देख रहे हैं, तकरीबन असर की अजान के बाद से यहाँ पर रहना शुरू हो जाता है। स्टूडेंट जो काम से घर वापस जा रहे हैं, तो उनका भी पहला यही है कि भाई पहले यहाँ रुक कर खाना और यहाँ से गुजर के जाना। तो ये रास्ता से समझा दूँ, देखिए पीछे आपको नजर आएगा मज़ार-ए-कायद से बिल्कुल आप सीधे आएंगे, और ये रास्ता जा रहा है जेल चौरंगी की तरफ, जेल चौरंगी का पुल है। उससे पहले एक पेडिस्टन ब्रिज आ रहा है, यहाँ पर ये उल्टा आपको नज़र आएंगे, और उसकी पहचान ये है कि बैंक मुकरमा, क्योंकि भाई ये 3 से 4 रोड पे नज़र आते हैं, लेकिन असल वाले यही हैं भाई, जिन पे ये लिखा हुआ VIP काठियावाड़ी झोले। और भाई ये आ गया हमारा बन, तो भाई बन के साथ देखें भाई, ये ज़रा कड़क बन होता है, और इसी के साथ खाने का मज़ा है असल में भाई। ये उसका कत्ता बन है ना, ये वाला उसका, ये बहुत मज़ा कर रहा है इसके साथ। कीमत के लिहाज से 100 रुपये के लिहाज से बेहतरीन A1 है। हाँ, अगर आप पूछेंगे कि ये कराची का सबसे बेस्ट है, नहीं भाई, इससे अच्छे सोल्जर बाज़ार वाले और वाटर पंप पे जो लगते हैं वो अच्छे हैं, मुझे वो कराची के सबसे बेस्ट मेरे ख्याल से। मगर ये भी बहुत अच्छे हैं, अगर आप गुजर रहे हैं यहाँ से तो लाजमी ट्राई कीजिएगा। और दूसरी बात है कि अगर आप चाहते हैं कि सूप वगैरह दोबारा रीफिल करवाना, ये वो भी कर देते हैं यार। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर आपसे कहीं और मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।